देवभूमि में मंगलवार का दिन पूरे देश के लिए मंगलमय रहा, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने उत्तरकाशी के सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को पहाड़ का सीना चीरकर सुरक्षित निकाल लिया। ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। देश ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर सरकार की भी तारीफ हो रही है। लेकिन विपक्ष ने अपना राजधर्म निभाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद ईआईए के साथ साथ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, उसके तहत जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी की जरूरत है उस पर ध्यान सरकार देगी। साफ हो गया है कि चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे कोई साधारण से साधारण मजदूर हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे कोई देश में कहीं फंसा हो, चाहे विदेश में कहीं फंसा हो, ये नया भारत है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला। और इस भारत में और इस भारत के लोगों के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल जब टनल में रेस्क्यू चल रहा था तो पीएम मोदी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। पीएम के साथ पूरी कैबिनेट ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देखा। जैसे ही फंसे श्रमिक बाहर आने शुरू हुए तो पीएम भावुक हो गए। इतना ही नहीं, बाद में पीएम ने मजदूरों और उनके सुपरवाइजर से फोन पर बात भी की। मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। जहां मजदूरों के परिवार सरकार की सक्रियता से इतने खुश हैं कि वो दिवाली से भी ज्यादा खुशी मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस हादसे के बहाने सवाल उठा रही है। सुरंग बनाने में जो विस्फोट का प्रयोग होता है ये भी एक कारण है दुर्घटना का। तो इस ये जब मालूम होता है विस्फोट होगा, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही आपातकाल का रास्ता बनता है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपातकाल का रास्ता क्यों नहीं बना था? इमरजेंसी एग्जिट मजदूर कहाँ से करेंगे, इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया था? और इस पर राजनीति होनी चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या उनको खुशी नहीं होना चाहिए कि एक सरकार आज ऐसी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो हर व्यक्ति की चिंता करती है, चाहे विदेश में कोई फंसा हो, देश के अंदर में कहीं फंसा हो, सरकार पूरी कोशिश करती है कि हर इंसान और भारतीय नागरिक तक प्रयास किए जाए उन्हें। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पीएम मोदी हर दिन दो बार सीएम धामी से अपडेट लेते रहे। पीएमओ के बड़े अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार में वीआईपी हो या मजदूर, सभी एक समान है। उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे, और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश, जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी, और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम दो बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे।
41 मजदूरों के रेस्क्यू से जहां एक ओर देश में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष उत्तराखंड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठा रहा है। 17 दिन जो संघर्ष उन्होंने किया है, ये किसी तरह टाला भी जा सकता था। 41 वर्कर्स का लाइफ रिस्क था। आज बताइए, मैंने उस दिन भी आपको बताया, आज अगर टनल बोरिंग मशीन से काम हुआ होता तो इस तरह का घटना नहीं घटता। बड़ी बात यह है कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या अब दोबारा से नए मजदूरों को इस तरीके से खतरे में भेजा जाएगा? उनकी भी जान चली, इनकी तो चलिए किसी तरीके से जो भूखलन हुआ, जो धसी, इनके लिए स्पेस बन गया, कल को बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, उसके लिए क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल बचते हैं। कंपनी किसकी है? परमिशन कैसे मिला? सेफ्टी गार्ड्स कैसे थे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या? क्योंकि देखिए, टनल से वो निकल के आ गए, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अपने माला पहनाया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में इस तरह की परमिशन टनलिंग कौन देता है? किसके इशारे पे ये चीजें होती है? सवाल है कि जिस मौके पर विपक्ष को सरकार और मजदूरों के परिवारों के साथ होना चाहिए, वो उस वक्त भी सुविधा वाली सियासत क्यों कर रहा है? या फिर विपक्षी पार्टियां पहाड़ों पर होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर जो आरोप लगा रही हैं, उसमें वाकई दम है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की बिल्कुल नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की बिल्कुल नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।